लॉकडाउन की वजह से लंबे अरसे के बाद स्कूल पहुंचे पांचवी से लेकर सातवीं कक्षा के छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी उमड़ आई थी। बुधवार को स्कूल का पहला दिन था। ऐसे में बीसीएन न्यूज ने शहर की दिनबाई और मोहनबाई स्कूल का जायजा लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए बरती जा रही सावधानियों और सुरक्षा मानकों पर मुख्याध्यापकों से जानकारी बटोरी है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण का दौर अब पूरी तरह से वापसी की राह पर है। ऐसे में धीरे धीरे इस महामारी की चंगुल से निकलकर दुनिया भर के देशों की व्यवस्था पटरी पर लौट रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 27 जनवरी से विभिन्न शर्तों के साथ पांचवी से सातवीं की कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं की खुशी देखते ही बन रही थी। गौरतलब है कि सभी हाई स्कूलों में कक्षाएं आरंभ होने से छात्रों के लिए स्कूल प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है, जो नियोजन किया जा रहा है, इस बारे में दीनबाई विद्यालय के मुख्य अध्यापक बीवी बुटले और उप मुख्याध्यापक वायम दूधे ने बीसीएन को जानकारी दी है। नमस्कार, मैं भवन विठ्ठलराव बुटले, मुख्याध्यापक दीनबाई विद्यालय दिग्रस। आज दिनांक 27 जानेवारी रोजी 5 ते 8 ची शाळा सुरू होत आहे। एक दिवस आड करून ही शाळा होत आहे। शाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे काल 26 जानेवारीला आम्ही सर्व रूम निर्जंतुकीकरण करून घेतलेले आहे आणि सर्व मुलांना सॅनिटाईज करून हातावर सॅनिटायझर टाकून आतमध्ये प्रवेश दिला जातो। आणि आज 27 जानेवारीला 5वा 6वा वर्गाचे मुलं आले होते आणि सर्वांची 40% उपस्थिती शाळेमध्ये होती। 660 विद्यार्थ्यांपैकी 251 विद्यार्थी आज हजर होते। धन्यवाद। या अगोदर आजपर्यंत आम्ही ऑनलाईन क्लासेस व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून क्लासेस हे आमचे सुरळीत चालू होते। आज प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाली आणि जवळपास पहिल्याच दिवशी 40% उपस्थिती होती। आणि आम्ही एक बघितलं की मुलांच्या चेहऱ्यावर फार आनंद ओसाडून वाहत होता, कारण त्यांना शाळेमध्ये शाळेचा पहिला दिवस होता, त्यांना फार खुशी वाटत होती। त्याचप्रमाणे आम्ही एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुलं जसे शाळेमध्ये एंट्री करतात, एंट्री केल्याबरोबर आम्ही त्यांना त्यांच्या हातावर सॅनिटायझर टाकणे, त्यांचं थर्मल गनने टेम्परेचर घेणे, ह्या सर्व आम्ही काळजी घेत आहोत। त्याचप्रमाणे आम्ही एक दुसरी महत्त्वाची सूचना दिलेली आहे की जर कोणा विद्यार्थ्याला ताप असेल किंवा सर्दी वगैरे असेल तर त्यांनी आम्हाला कळवायचं, त्यांनी त्या दिवशी शाळेमध्ये यायचं नाही। याप्रमाणे हा शाळेचा पहिला दिवस फारच चांगला पार पडला आणि याप्रमाणेच पुढे सुद्धा सुरळीत पार पडेल। इसी तरह से मोहनाबाई कन्या शाला में स्कूल के पहले दिन पांचवी कक्षा की छात्राओं का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं तथा कर्मचारियों ने स्कूल के पहले दिन छात्राओं के लिए विशेष रूप से स्वागत की तैयारी में योगदान दिया। इस मौके पर स्कूल की मुख्य अध्यापिका स्मिता उत्तरवार मैडम ने बीसीएन से जानकारी साझा की। पुष्कळ मोठा प्रतिसाद भेटला। जवळजवळ 300-400 संमतीपत्रक आम्ही मुलींना दिले आणि त्यानंतर आम्ही काळजी म्हणून प्रत्येक मुलींना सूचना दिली होती, त्याप्रमाणे त्या फेस मास्क लावून आलेल्या होत्या, सॅनिटायझरेशन, त्यानंतर प्रत्येक मुलीचं ऑक्सिजन मोजलं, त्यानंतर टेम्परेचर, आणि ह्या मुलींचं आम्ही रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी सुद्धा वैसे तो इन विद्यार्थियों की घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तकनीकी रूप से पढ़ाई जारी थी, लेकिन कहीं न कहीं वे अपनी स्कूल की परंपरागत पढ़ाई की कमी महसूस कर रहे थे। ऐसे में एक अरसे के बाद स्कूल शुरू होने से वह कमी पूरी हुई है। आज आमची शाळा 8:30 भरवण्यात आली व आज आमचा शाळेचा पहिला दिवस होता। पाचवीच्या विद्यार्थ्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले व आम्हाला काही सूचना सुद्धा सांगण्यात आल्या। सूचनांमध्ये आम्हाला मास्क लावणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे हे आम्हाला सांगितले। सगळ्यांना नमस्कार, माझं नाव तनकिन शेख आहे। माझा आज पहिला दिवस आहे शाळेचा। आम्ही जुलैपासून ऑनलाईन शाळा सुरू केली होती। आमच्या शाळेचे सर रोज ऑनलाईन घेत होते। माझ्या स्कूलचं नाव मोनाबाई कन्या शाळा आहे। माझ्या स्कूलचा पहिला दिवस प्रार्थनासोबत सुरू झाला। बरेच मुलींना सुरुवातमध्ये गुलाबसोबत स्वागत केलं।
बहरहाल स्कूल शुरू होने से काफी उत्साहित नजर आ रहे इन विद्यार्थियों को उम्मीद है कि अब भविष्य में कोई संक्रमण महामारी उनकी खुशी और स्कूल के बीच का रोड़ा नहीं बनेगी। BCN न्यूज के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।